हेलो स्टूडेंट्स, सीएमजी क्लास में आपका स्वागत है। ये आपका सीमेंट चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। वैसे आपका बिल्डिंग स्टोन ख़त्म हो गया था, इसके बाद ब्रिक और आपका लाइम का बनना था, बट स्टूडेंट्स ने बोला कि मैम हमें सीमेंट पे वीडियो चाहिए, तो आपका आपसे चैप्टर शुरू हो रहा है सीमेंट। देखिए इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। आपका इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो आपका लाइम और सीमेंट, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन लाइम एंड सीमेंट, ये आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद में आपका सेकेंड टॉपिक जो रहेगा वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सीमेंट, ठीक है। मतलब जनरली सीमेंट का क्या क्लासिफिकेशन है ये हमें पढ़ना है। इसके बाद में आपका सीमेंट में क्या क्या आपके संघटक होते हैं, कौन कौन से उसमें कंटेंट होते हैं, ये आपको पढ़ना है। और सीमेंट बनाने की विधि पढ़नी है आपको, टाइप्स ऑफ सीमेंट पढ़ने हैं, और सीमेंट के आपको टेस्ट पढ़ने हैं। इतनी चीज़ें हमें सीमेंट के उसके चैप्टर में पढ़ना है। तो फर्स्ट टॉपिक देखिएगा हमारा है लाइम और सीमेंट में डिफरेंस। देखिए आपका लाइम भी क्या होता है, बंधक पदार्थ ही होता है, बाइंडिंग मटेरियल होता है। सीमेंट भी बाइंडिंग मटेरियल होता है, पर इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वही हम जानेंगे इसमें। तो पहला हमारा हो जाएगा प्रोडक्शन, उत्पादन, ठीक है। तो आपका जो लाइम का उत्पादन होता है, जो आपका चूने का उत्पादन होता है, वो क्या करते हैं, चूना पत्थर जो आपका लाइम स्टोन होता है उसको जला के बनाया जाता है। और ये करने के लिए किसी खास तकनीक की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं पड़ती। पर सीमेंट में क्या होता है, सीमेंट में आपका जो भी आपके कैलक्यूरियस, ठीक है, जो भी आपके कैलक्यूरियस रॉक होते हैं और जो आपके आर्जेलिसियस रॉक होते हैं उनका मिक्सचर होता है। प्लस ये आपके फैक्ट्री में बनाया जाता है। किसे बनाया जाता है, आपके फैक्ट्री बनाया जाता है। इस सीमेंट को बनाने के लिए हमें एक टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, तो उत्पादन में हो जाएगा आपका। दूसरा आपका जो सीमेंट का उत्पादन होता है वो क्या होगा, सस्ता होगा। लाइम का जो उत्पादन होगा वो आपका सस्ता होगा, सीमेंट का उत्पादन क्या होगा, आपका महंगा होगा। फिर आते हैं इसके स्ट्रेंथ पर, दूसरा नंबर हो जाएगा कि इसका जो स्ट्रेंथ सामर्थ होती है, लाइम की स्ट्रेंथ क्या होगी, जब भी होगी सीमेंट से कम होगी, और सीमेंट की स्ट्रेंथ क्या होगी, लाइम से ज़्यादा होती है। अर्थात क्या हो जाएगा कि इसकी स्ट्रेंथ कम होती है, इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, आपकी ज़्यादा होगी। तीसरा हमारा हो जाएगा कलर, लाइम का जो कलर होता है वो नेचुरल होता है, प्राकृतिक में जो आपके चूना का कलर होता है वो क्या होता है, वाइट होता है या फिर दूधिया सफ़ेद होता है, यही दो कलर में होते हैं। पर सीमेंट में क्या होता है, सीमेंट में आप अपने मन के, ठीक है, वांछित कलर इसको दे सकते हैं। आपका वाइट हो जाता है, हल्का सा ब्राउन हो जाता है या फिर ग्रे कलर होता है, ये आप सीमेंट को क्या कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं। फिर देखिएगा इसके बाद है आपका थर्ड, इसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। लाइम की बाइंडिंग प्रॉपर्टी जो होती है सीमेंट की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। लाइम की बाइंडिंग प्रॉपर्टी कम होगी, सीमेंट की बाइंडिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, आपकी हाई क्लास की होती है, इससे ज़्यादा होती है। फिर आपका इसमें आ जाएगा पदार्थ, मतलब किन पदार्थों से मिला के बनाया जाता है। तो आपका जो लाइम होता है चूना पत्थर से बनाया जाता है, आपका जो सीमेंट होता है चूना पत्थर और मृतका, ठीक है। चूना पत्थर मतलब क्या, आपका जो कैल्केरियस रॉक हो जाएगा और जो आर्जिलिसियस हो जाएगा, उन रॉक से ये मिलके बनाए जाते हैं। फिर है कि उपलब्धि, मतलब ये कहाँ कहाँ पे मिल सकता है। तो आपका जो चूना होता है ईजिली आपको आपके आसपास से मिल जाता है, बस सीमेंट का क्या होता है, पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है इसको बनाने का। तो ये आपका हो गया लाइम और सीमेंट में डिफरेंस। और इसमें एक चीज़ और है कि जब हम लाइम में पानी डालते हैं, ठीक है, जब हम चूने में पानी डालते हैं तो चूना हमारा बुझना शुरू हो जाता है। क्या होता है, वो बुझना शुरू हो जाता है, और बुझने के साथ में उसके आयतन में होता है प्रसार, उसके वॉल्यूम में क्या होता है, प्रसार होता है, एक्सपेंशन होता है। और दूसरी चीज़ इसमें आपके ध्वनि, ठीक है, साउंड भी आती है और आपकी हीट भी आपकी निकलती है, उष्मा भी बाहर निकलती है। पर जब हम सीमेंट में पानी डालते हैं तो ये सेट होना शुरू करता है। ये क्या करता है, पानी डालने पर इसमें होती है स्लैकिंग। जब चूने में पानी ऐड किया जाता है, लाइम में पानी ऐड किया जाता है, तो ये क्या होता है, स्लैक्ड होता है, इसमें होती है स्लैकिंग। और जब सीमेंट की बात की जाती है तो सीमेंट में पानी डालने पर ये क्या होता है, ये आपका सेट होता है और धीरे धीरे क्या होता है, आपका हार्ड होने लगता है। तो ये हो गया इन दोनों में डिफरेंस। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सीमेंट।
क्लासिफिकेशन ऑफ सीमेंट में आपका सीमेंट दो प्रकार से हो जाता है, एक होता है प्राकृतिक सीमेंट, नेचुरल सीमेंट, और दूसरा हो जाता है कृत्रिम सीमेंट या फिर आर्टिफिशियल सीमेंट। तो देखिएगा, आपका जो पहला होता है प्राकृतिक सीमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल सीमेंट बोलते हैं, जो आपका नेचुरल सीमेंट हो जाता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका 20 से 30%, ठीक है, 20 से 30% आर्जिलिसियस रॉक या फिर आर्जिलिसियस मटेरियल होते हैं, और बाकी आपके क्या होते हैं, कैल्केरियस मटेरियल होते हैं। तो ऐसी रॉक, ठीक है, ऐसी रॉक जिसमें आपका 20 से 30% आर्जिलिसियस मटेरियल हो और बाकी क्या हो, कैल्केरियस मटेरियल हो, उसको तोड़ करके, महीन पीस करके, जला करके जब हम लोग सीमेंट बनाएंगे तो वो आपका बनेगा प्राकृतिक सीमेंट। फिर से सुन लीजिएगा, ऐसी रॉक, ठीक है, ऐसी चट्टान जिसमें 20 से 30% आपके मृतिका पदार्थ हो और बाकी क्या हो, चूनामय पदार्थ हो, उन्हें तोड़ करके, महीन पिसाई करके, उसे क्या करते हैं, जलाते हैं, फिर उसकी महीन पिसाई करते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है, प्राकृतिक सीमेंट मिलता है आपका। और कृत्रिम सीमेंट देखिएगा, इस सीमेंट का जो आपका गुण होता है, ठीक है, इस सीमेंट की जो आपकी क्वालिटी होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, वो आपके हाइड्रोलिक लाइम से मैच करती हुई होती है। किससे मैच करती हुई होती है, जलीय चूने से, हाइड्रोलिक लाइम से आपके मैच करती हुई होती है। दूसरा है आपका आर्टिफिशियल सीमेंट, देखिएगा इस सीमेंट में क्या है, कृत्रिम सीमेंट, कृत्रिम सीमेंट, या फिर आर्टिफिशियल सीमेंट। ये देखिएगा, आर्टिफिशियल सीमेंट में क्या होता है कि इसमें हम लोग आपका 60 से 65% लेते हैं चूना पदार्थ, ठीक है, कैल्केरियस मटेरियल लेते हैं, उसके अलावा जो हम लोग लेते हैं बाकी बचता है आपका 30 से 35%, उसमें हम लोग आर्जिलिसियस मटेरियल लेते हैं। इन दोनों मटेरियल्स को क्या करते हैं, पहले हम लोग अच्छे से इनको साफ करके, अच्छे से मिक्स करके इसकी पिसाई कर लेते हैं। पिसाई करने के बाद में इसको हम लोग जलाते हैं घुड़ी भट्टी में, जलाने के बाद इसकी फिर से पिसाई की जाती है, महीन पिसाई, फिर इसमें और भी अदर मटेरियल डाल करके इसके और भी जो गुड़ होते हैं उनको हम लोग अच्छा कर देते हैं, ठीक है। कृत्रिम सीमेंट में आपका कैल्केरियस और आर्जिलिसियस मटेरियल के अलावा भी क्या हम लोग क्या डालते हैं, एडिशनल चीज़ें डालते हैं, जिससे कि क्या होती है, इनकी जो गुड़ होती है उसमें क्या होती है, और भी कह लीजिए जो गुड़ है वो भी और बढ़ जाते हैं इनके, ठीक है, जो भी क्वालिटी है और अच्छी हो जाती है। तो वो होता है हम लोग का क्या, कृत्रिम सीमेंट। कृत्रिम सीमेंट के अंतर्गत ही आपके टाइप्स ऑफ सीमेंट जो भी हैं, अभी आप आगे पढ़ेंगे, कई टाइप के सीमेंट होते हैं जहाँ पे हमें जिस काम के लिए जिस प्रकार के सीमेंट की जरूरत होती है, उस प्रकार के सीमेंट को हम क्या करते हैं, एडमिक्चर्स और भी चीज़ें एडिशनल डाल करके उसको बनाते हैं, तो वो कृत्रिम सीमेंट के अंतर्गत ही आएगी। ये हो गया आपका कृत्रिम सीमेंट। अब देखते हैं कि सीमेंट में क्या क्या संघटक होते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट, ठीक है। इसके बाद का आपका टॉपिक है इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट, तो इसमें पहला आ जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। जो आपके कैल्केरियस मटेरियल होता है उसका जो परसेंटेज होता है वो 60 से 65% लेते हैं हम। कितना लेंगे, ये जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है वो 60 से 65% लेते हैं। दूसरा हो जाएगा आपका सिलिका, ठीक है, सिलिका आपका हम लेते हैं 3 to 8%, 3 से 8% हम लोग क्या लेते हैं सिल्का। सिल्का मतलब क्या हो जाएगा आपका, सेंट से हम लोग ले रहे हैं। फिर इसके बाद में हो जाएगा आपका एलुमिना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मृतिका। ये आपका हो जाता है 17 से 25%, ये आपके तीन हो गए। चौथा होता है आपका जिप्सम, ठीक है, CaSO4। जिप्सम का जो हम लोग लेते हैं 2 से 5% लेते हैं। फिर पांचवा आपका हो जाएगा Fe2O3। फेरस ऑक्साइड जो आपका हो जाएगा ये हम लोग लेते हैं 0.5 से 6%। इसके बाद में देखिएगा आपका MgO, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका हो जाता है 0.1 से 4%। और इसी में आपका जो सेवेंथ हो जाएगा
वो हो जाता है सल्फर ट्राई ऑक्साइड, इसके जो हम लोग मात्रा लेते हैं वो लेते हैं 1-3%। ये आपके इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्या हुए, सीमेंट हैं। जब इनको हम लोग मिला के पीसते हैं, ठीक है, मिला करके पीस करके जब सीमेंट हम लोग बनाते हैं तो यही आपस में क्रिया करके बॉक कंपाउंड बनाते हैं। कौन सा कंपाउंड बनाते हैं? बॉक कंपाउंड बनाते हैं। इन्हीं की सहायता से ये पूरे मिक्स हो करके आपके ये तीन कंपाउंड बनते हैं जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे। ये आपका ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि किसकी मात्रा से, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग इसमें बात करते हैं कि ये अगर हम चूना मिला रहे हैं, सिलका मिला रहे हैं, तो हम सीमेंट में किस वजह से मिला रहे हैं, इसके वजह से क्या सीमेंट में गुड़ आ रहा है, या फिर इसकी अधिकता से क्या हानि हो सकती है, या फिर क्या लाभ हो सकता है, ये देखते हैं। तो पहले बात करते हैं हम लोग चूने की, ठीक है। पहले जो हम लोग बात करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड की, जिसकी आपके परसेंटेज कितनी है, 60-65% है। इस ये क्या करता है, ये बाइंडिंग मटेरियल का काम करता है, ठीक है। ये सीमेंट को बाइंडिंग प्रॉपर्टी आपका देता है। इसकी अगर मात्रा हम ज़्यादा कर दें, इसकी अगर हम क्वांटिटी ज़्यादा कर देंगे सीमेंट में, तो होता क्या है, एक्सपेंशन होता है। इसकी मात्रा ज़्यादा करने से एक्सपेंशन होता है, ठीक है। और जितना ज़्यादा एक्सपेंशन होगा उतना ही आपका क्या होगा, श्रिंकेज भी होगा। जितना ज़्यादा आपका एक्सपेंशन होगा उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, श्रिंकेज भी होगा, उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा, श्रिंक भी करेगा। एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे ये कोई चीज़ है, मान लीजिए ये कोई प्लास्टिक का ही मटेरियल है, अगर इसको हम खींचेंगे तो बीच में तो ये क्या होगा, बीच में तो ये एक्सपेंड करेगा, बीच में इसके प्रसार होगा, पर साइड साइड में ये क्या होता है, साइड साइड में ये सिकुड़ने लगता है। ऐसी अगर सीमेंट हम कहीं फैलाते हैं तो अगर बीच में उसके क्रैक्स पड़ते हैं, डेवलप होते हैं, मतलब प्रसार हो रहा है, तो साइड साइड में क्या होगा, इसके श्रिंकेज होगा। तो वही है कि सीमेंट की मात्रा ज़्यादा करने से एक्सपेंशन होता है, प्रसार होता है, और जितना ज़्यादा एक्सपेंशन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आपका श्रिंकेज भी डेवलप होता है। और एक चीज़ देखिएगा, अगर हम सीमेंट में चूने की मात्रा कम कर दें, ठीक है, अगर सीमेंट में चूने की मात्रा हम कम कर देंगे तो चूने की जो मात्रा कम करने से होता क्या है कि सीमेंट की आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। अब देखिएगा दूसरा सिलिका। सिलिका आपका सीमेंट में क्या रोल निभाता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ, ठीक है। ये किसके लिए होता है, ये रैपिड हार्डनिंग और स्ट्रेंथ के लिए। रैपिड हार्डनिंग मतलब क्या, कि ये शीघ्र कठोरीकरण, ठीक है। रैपिड हार्डनिंग और स्ट्रेंथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है सिलिका। इसकी मात्रा बढ़ाने से कोई भी जो भी सीमेंट होगा वो क्या होगा, कम समय में जल्दी कठोर हो जाएगा। सीमेंट में सिलिका की मात्रा, बालू की मात्रा बढ़ाने पर आपका सीमेंट कम टाइम पे ही क्या होगा, जल्दी हार्ड हो जाएगा। रैपिड हार्डनिंग का उसमें प्रॉपर्टी आ जाता है। अब बात करते हैं एलुमिना की। सीमेंट में एल्यूमिना की मात्रा बढ़ाने से जो भी सीमेंट होगा वो क्या होगा, जल्दी जमने लगेगा, ठीक है। सेटिंग, इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होगी, कम हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, आपका सीमेंट है, जो सीमेंट आपका आधे घंटे में, ठीक है, 30 मिनट में आपका जमना है, अगर आपने उसमें एल्यूमिना की मात्रा ज़्यादा कर दी तो हो सकता है वो सीमेंट क्या हो, 5 मिनट में जम जाए, हो सकता है 20 मिनट में जम जाए, मतलब क्या होगा, 30 से कम के टाइम पे ही वो जम जाएगा। तो यही चीज़ है कि यदि हम किसी चीज़ में एलुमिना की मात्रा ज़्यादा करते हैं तो उसकी सेटिंग टाइम क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाती है। आगे देखिएगा, ये हो गया CaSO4। ये आपका जिप्सम है जिसकी मात्रा 2-5% मिलाई जाती है, और ये क्या करता है, सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है। मतलब हम लोग जब सीमेंट में पानी डालेंगे, उसको मिक्स करेंगे, तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमारे पास प्रॉपर टाइम होना चाहिए, तो वो टाइम हमें कौन प्रोवाइड करेगा, वो जिप्सम मिलाने से सीमेंट का जो सेटिंग टाइम होता है वो बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर हमने सीमेंट घोला और हमें जहाँ पर लेके जाना है वहाँ पर हमें लगेगा 1 घंटा, तो हम क्या करेंगे, उसमें जिप्सम की मात्रा मिला देते हैं। जिप्सम करता है रिटार्डर का काम, मंदक का कार्य करता है, तो वो सीमेंट की सेटिंग टाइम को बढ़ा देगा, जिससे एक जगह से दूसरी जगह सीमेंट को आसानी से क्या किया जा सकता है, प्लेस किया जा सकता है। अब देखिएगा Fe2O3, अब आपका आ जाएगा Fe2O3, जिसकी मात्रा कितनी है, 0.5-0.6 है। ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है कलर के लिए और स्ट्रेंथ के लिए, हार्डनिंग के लिए, और ये फ्लक्स के जैसा कार्य करता है।
ठीक है। ये आपका Fe2O3 फ्लक्स मतलब गालक के रूप में कार्य करता है। ये आपके कलर के लिए, हार्डनिंग के लिए, स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बात करते हैं MgO की, ये भी आपके कलर के लिए और हार्डनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपका SO3 इसकी जो परसेंटेज होती है 1-3% होती है, और ये रिस्पॉन्सिबल आपका होता है साउंडनेस के लिए, फ्री लाइन चेक करने के लिए ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हो गया आज का आपका टॉपिक। अब हम कल पढ़ेंगे कि सीमेंट बनाने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, ठीक है। तो आपका जो वीडियो है आपको जल्दी ही मिलता रहेगा, और परेशान मत होइए, नवंबर तक हम लोग इसको बिल्कुल कवर कर देंगे। थैंक यू क्लास।